अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम चिकन करी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। आधा कप हम तेल का यूज़ करेंगे और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया 1 खाने का चम्मच। फ्रेश धनिया हमने काट के रख लेना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। दही 1 कप लेना है। इसमें जो स्पाइसेस यूज़ होंगे उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने बेसन लेके इसको भून लिया था, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच और नमक आपकी पसंद से आप डालिएगा। पहले हमने बाउल में दही को डाल देना है, फिर इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें, धनिया और बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको हमने फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर हम इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। फिर एक हमने पैन में ऑयल डाल देना है और फिर हमने जो प्याज काटे थे वो डाल देना है। हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब इसका अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। इसको हमने प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अंदर से भी गल जाए। अब हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि चिकन का गोल्डन कलर हो जाए। अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें दही वाला बैटर शामिल कर देंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी गल जाए। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है और आपने अपने मुताबिक जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं फिर वो उतना रख के तो आपने फिर इसको डिश आउट करना है। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, आप किसी भी इवेंट पे इसे बना सकते हैं और इसको चावलों के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।